उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो INDIA गठबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन विस्तृत जानकारी इस बारे में पंजाब पुलिस देगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि पंजाब में उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और नशा खत्म करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में, तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड हैं, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। केजरीवाल ने यह उम्मीद भी जताई कि जल्द ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो जाएगा। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री चेहरा बनाने को लेकर एक बहस भी छिड़ी हुई है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें लोगों को सशक्त बनाना है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। तमाम मीटिंग में बात रखी थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द तय होना, 20 साल तक के कहा था, वो नहीं पाया। आपने लगता कि ये कन्फ्यूजन जो इसी वजह से क्रिएट हो रही है? मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, होना हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो ये मांग आ रही कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, RGT की तरफ से ये मांग आ रही। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है।